महाराष्ट्र कांग्रेस में टिकट को लेकर बगावत तेज। चुनाव के लिए टिकट बंटवारे से नाराज हैं संजय निरुपम। कांग्रेस के लिए नहीं करूंगा प्रचार, यह भी कहा है। पार्टी मेरी सेवा नहीं चाहती, यह भी कहा। चुनाव के लिए मुंबई में सिर्फ एक सीट मांगी थी, वो भी नहीं दी। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को आपको बता दें मतदान और 24 अक्टूबर को मतगणना होनी है। कांग्रेस और उसकी पार्टनर पार्टी महाराष्ट्र में यानी कि एनसीपी ने, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सीटों पर कैंडिडेट्स लगभग घोषित कर दिए हैं, लेकिन लगातार फूट की खबरें सामने आ रही हैं। संजय निरुपम मुंबई का कार्यभार भी देखते रहे, लेकिन बावजूद इसके अब उनकी शिकायत सामने आ रही है, वो भी एन मौके पर जबकि इलेक्शन सर पर है। तब इतना बड़ा कोई चेहरा मुंबई में कांग्रेस का, वो ये कहे कि मेरी तो बात सुनी ही नहीं जा रही, मेरे नाम से एक टिकट भी नहीं दिया गया। यकीनन कांग्रेस के अंदर पड़ी इस फूट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और इससे पहले भी जब तक सीटों का या टिकटों का ऐलान नहीं किया गया था, उससे पहले भी कांग्रेस हो चाहे एनसीपी, कांग्रेस एनसीपी पार्टी से बहुत से लोग छिटक कर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना में शामिल होते रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है इस वक्त की बड़ी खबर संजय निरुपम, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में और खासतौर पर मुंबई जो कि अर्थनगरी भी है, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का, उसके अगर इस तरीके के सवाल शिकायतें होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा भी आने वाले चुनावों में यानी कि 24 तारीख को जो मतगणना और वोटिंग होनी है 21 तारीख को, उसमें देखना पड़ सकता है।